शुरू करता हूँ आज की। ओके यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस है, ये सारा मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा था मैंने उनको रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड कर दिया था। मैंने बोला था ये जरूरी है फर्स्ट लेक्चर अटेंड करना एटलीस्ट। जिन्होंने वो फर्स्ट इस सब यूनिट का फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली, पहले बोल देता हूँ। ओके तो डायमेंशन इक्वेशन क्या होती है ये भी मैंने तुम लोगों को बता दिया है, फिर भी ध्यान से देखते रहना। जिन्होंने अटेंड नहीं किया था आपको फिर भी समझ शायद आ जाए। होमोजेनिटी प्रिंसिपल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था। सिंपल सा बात क्या था, ये कहता है कि ये आपका इक्वल टू है, इसके लेफ्ट राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या होनी चाहिए, दोनों की डायमेंशन क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। सिंपल सी बात है, इतनी सी बात आप दिमाग में रखोगे किसके लिए रिलेटेड, होमोजेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड। तो अब चलते हैं हम सीधा आज का टॉपिक की तरफ जिसके अंदर हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं। बेसिकली हम कन्वर्ट, जहाँ पे हमारे तीन किस्म के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, एक होता है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, दूसरा चेकिंग करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूला, थर्ड डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। तो हमें क्या होगा, पहला क्वेश्चन जो होगा उसमें दिया होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोला होगा 55 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो कितनी आएगी। तो ये हम क्या करने वाले हैं, ये हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से इसको करने वाले हैं न्यूमेरिकल को। दूसरा जो आपका एप्लीकेशन रहती है इसकी वो क्या है कि आपको बहुत सारे ऐसे कोई फार्मूला दे दिया होगा, जनरली एफ इक्वल्स टू जैसे एम ए है, तो ये दे दिया होगा फार्मूला, आपको पूछा जाएगा कि इसको प्रूफ करो कि ये फार्मूला सही है कि गलत है। तो दोनों चाहे सही है चाहे गलत है वो आपको डायमेंशनल एनालिसिस करके इसका यूज करके आपको प्रूफ करना होता है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट टाइप किस तरह से हमने इसको डिस्कस करना है। ओके जो कि क्या है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ये बिल्कुल आपका सिस्टम ऑफ यूनिट जो आप पढ़ा हुआ आपने, मैंने आपको क्या बताया था, क्वांटिटी आपकी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। जैसे q इक्वल्स टू मैंने लिखा है n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक बार वापस रिवाइज भी करवा देता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ मुझे 50 मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा मुझे कितना देखने को मिलेगा, 5000 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। ये जो मीटर यूनिट है ना, ये क्या यूनिट है, लार्जेस्ट यूनिट है, या सिंपल क्या है, लार्ज यूनिट है एज कम्पेयर टू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो है ये छोटा होता है और मीटर जो होता है ये यूनिट क्या होता है, बड़ा होता है। यहां से एक चीज हम नोटिस कर रहे हैं, जब यूनिट बड़ा हो तब आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। जब यूनिट छोटा हो तब न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी क्या होती है, बड़ी होती है। लेकिन ओवरऑल ये बैलेंस चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने ये पेन आपका 50 मीटर का था, एग्जांपल के तौर पे ये पेन आपका 50 मीटर का था। अब मैंने जब मीटर यूनिट यूज कर रहा हूं तो मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी मिल रही है, 50 मिल रही है। जब यूनिट मैं सेंटीमीटर यूज कर रहा हूं तब मुझे वैल्यू कितनी मिल रही है, 5000 मिल रही है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या मीटर या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने से क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया पेन का, क्या इसका जो साइज जो है पेन का वो चेंज हो गया, साइज तो वही रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्वांटिटी जो होती है हमारी वो क्या रहती है, सेम रहती है। बस चेंजेस किस में आते हैं, यूनिट में और न्यूमेरिकल वैल्यू में। यहाँ पे वही तो लिखा है क्वांटिटी इक्वल्स टू n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया था जब सिस्टम ऑफ यूनिट्स मैंने शुरू किया था आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी प्रेजेंट है उन्होंने सभी ने अटेंड किया होगा क्योंकि सभी ने ये लेक्चर्स अटेंड कर लिए हैं, तो मैं ये मान के चलूंगा सभी को ये बात पता होगी, मैंने रिवाइज भी करवा दी। ओके तो क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिमेंस कांस्टेंट। जो मैग्नीट्यूड होता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बट एवर मे बी द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट आप कोई भी पकड़ लो, लेकिन जो क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जो कि हमने मैथमेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर भी मैं अभी समझा के आया। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे u1 आपका, u2 क्या है आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, n1 और n2 आपका क्या है, टू न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग अलग है। इसी के ऊपर बेस्ड, अभी भी आपको धीरे धीरे आपको समझ आता जाएगा, आज सिर्फ आप सुनोगे ध्यान से, जब मैं पूछूंगा कोई डाउट है तब बताना, पहले अभी डाउट मत पूछना, अभी ध्यान से सुनोगे सारे। मान लो m1 l1 और t1 आपकी क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। आपको पता ना m l और t हम किसके लिए, डायमेंशंस बताने के लिए यूज करते हैं, किसके, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के, पहले मैंने डिस्कस किया हो इसके बारे में। और ऐसे ही मैंने बोल दिया m2 l2 और t2, ये मैंने मान लिया आपके क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है किसके, मास लेंथ एंड टाइम कोई दूसरी सिस्टम के। ये पहला कोई सिस्टम है वन सिस्टम, और ये जो m2 l2 और t2 जो मानना हुआ मैंने, ये क्या मानना हुआ, कोई अनदर सिस्टम है। तो आप ये क्या कर रहे हो,
एनोटेशन ना करो. ओके, ए बी सी उनकी क्या है, रिस्पेक्टिव डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी इन मास, लेंथ एंड टाइम. आपको पता है ना, जैसे m 2 l 3 t माइनस 1, ये हम ऊपर जो पावर एक्सपोनेंट लगाते थे, ये हमें डायमेंशन बताती थी. डायमेंशन यानी कि इस मास, यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कितने मास क्वांटिटी प्रेजेंट है, दो. कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर कितनी लेंथ, मीन्स उसकी कितनी डायमेंशन प्रेजेंट है, तीन. टाइम कितने प्रेजेंट है, माइनस वन. इस तरह से हमें ये हमें पावर क्या बताती थी इनको, कि कितनी डायमेंशन प्रेजेंट है. तो यहाँ पे मैं क्या मान के चलूंगा, ए बी सी क्या है इनकी, आर द रिस्पेक्टिव डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी इन मास, लेंथ एंड टाइम. मैसेज आया किसी का, मैं उमेश नहीं हूं, मुझे नहीं आ रही समझ. क्या समझ नहीं है, अभी मैंने समझाया ही नहीं है, अभी रुक जाओ, अभी मैंने कुछ समझाया नहीं, अभी अभी रुक जाओ, धीरे धीरे सुनते चलो, बाद में समझ आएगी अभी. ओके, अभी तो सिर्फ हम कंसीडर कर रहे हैं, एंड में मैं पूछूंगा समझ आई कि नहीं आई, तब नहीं आएगी तब मैं समझाऊंगा वापस. अभी सिर्फ ध्यान से सुनो, अगर बातें करते रहोगे फिर समझ नहीं आएगी. आज आपकी चैट भी ऑफ कर दूंगा मैं, नहीं तो आपस में बातें करते रहोगे. ओके, अभी मैंने पूछा ही नहीं किसी को कि समझ आई कि नहीं आई, जब मैं पूछूंगा तब बताना. ओके, तो मैंने क्या बोला, मैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट को, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जैसे यहाँ पे मेरे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको डायमेंशन की फॉर्म में कैसे लिखता हूं मैं, जहां पे मास का यूनिट नहीं है तो मीन्स क्या होगा, एम जीरो. जहां पे लेंथ का यूनिट है यानी कि मीटर, इसको कैसे लिखूंगा, एल वन. जहां पे सेकंड, ये किसका यूनिट है, टाइम का, टी. पावर कितनी है उसकी, माइनस टू, तो क्या लिख दूंगा, माइनस टू. इस तरह से मैंने तुम लोगों को सिखाया हुआ है, मैंने पहले ही बोला था अच्छे से रिवाइज करके आना तभी समझ आएगी. ओके कैल्विन, हैंड रेस किया, पूछो. सर डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन, यार तुमने पहला लेक्चर नहीं अटेंड किया, दो दिन से वही तो बता रहा हूँ, किया था अटेंड. हाँ तो फिर समझ नहीं आएगी, क्योंकि फिर आज वापिस वही समझाता रहूंगा तो फिर तो इसी के ऊपर टाइम निकल जाएगा. वो लेक्चर अटेंड करो. ओके, आज तो हम न्यूमेरिकल करने पे आ गए. ओके, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जिन्होंने पहले दो लेक्चर अटेंड नहीं किया, कम से कम पहला लेक्चर भी अटेंड नहीं ना किया, वो लेक्चर छोड़ सकता है, उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, मैं पहले बता देता हूँ. क्योंकि अब मैं वापस से ये बातें नहीं बता पाऊंगा कि ये M1, M2, L2 क्यों लिख रहा हूं ऊपर, ये नहीं समझ आएगी बिल्कुल भी, पहले बता रहा हूं मैं. ओके, तो मैंने जैसे एग्जांपल, एक और एग्जांपल तब तक मैं दे देता हूं, kg, मीटर, सेकंड इनवर्स स्क्वायर. यहां पे ये मास, ये kg किसका यूनिट है, मास का, तो पावर कितनी है उसकी, वन. तो यहाँ पावर कितनी आ जाएगी, वन. मीटर, मीटर यूनिट है किसका है आपका, लेंथ का, तो यहाँ एल आ जाएगा, पावर कितनी है, वन. सेकेंड क्या है, यूनिट है किसका, टाइम का, तो टी, पावर कितनी आ जाएगी, माइनस टू. तो ये आपके आगे डायमेंशन लिखने का तरीका, कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज है. भाई डायमेंशन का मतलब क्या बताया हुआ है मैंने, ये आपका कोई यूनिट है, कोई भी क्वांटिटी का, ए बी सी कोई भी क्वांटिटी का यूनिट है. मैंने क्या बताया हुआ कि डायमेंशन से मतलब पता क्या चलता है हमें, क्या मतलब है डायमेंशन का, डायमेंशन का ये मतलब है कि ये जो आपका ये यूनिट है, या ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, जी कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है. जब मुझे ये बात पता करनी होती है तो मुझे किसका जरूरत पड़ती है, डायमेंशन की जरूरत पड़ती है. डायमेंशन से मुझे क्या पता चलता है, अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया एम वन एल वन टी माइनस टू, क्यों लिख दिया, जस्ट बताया. तो इससे देख के क्या पता चल रहा है, कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी ए है, कैल्विन सुन रहे हो, ये जो फिजिकल क्वांटिटी ए है, इसके अंदर मास जो फंडामेंटल यूनिट था वो कितनी है, एक. लेंथ कितने हैं, दो, सॉरी एक. और टाइम कितने हैं, माइनस. माइनस टू का मतलब ये क्या है, माइनस टू का मतलब कि ये डिवाइड हुआ होगा, टाइम क्या हुआ होगा, डिवाइड हुआ होगा, और इसकी पावर कितनी होगी, टू होगी, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, इस तरह से. ओके सर, ये सारी बातें होगी हमारी. अब देखो, जैसे मैंने सिस्टम ऑफ यूनिट, तो ये मान लो यू वन एक कोई यूनिट है, यू टू आपका कोई दूसरा यूनिट है, हमने ऐसे मान लिया, है ना, मतलब कि कोई भी हमने, क्योंकि एक जहां पे फार्मूला बनाना है, उस फार्मूले को बनाने के लिए मैंने कंसीडर कर लिया, एक मेरा सिस्टम ऑफ यूनिट U1 है, दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट मेरा क्या है, U2 है. जैसे A क्या है, देखो सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसे इधर ग्राम लगा दिया, और एक यूनिट लगा दिया मैंने kg मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर. ध्यान रखना, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने ये पहले ही बताया, वो फर्स्ट लेक्चर में बताया था, मैंने बोला था आप चाहे सीजीएस में करो, एसआई में करो, कुछ भी करो, हमें डायमेंशन देखना दोनों के केस में सेम मिलेगी.
ये यूनिट किसका है, मास का, पावर किसकी इतनी, कितनी है इसकी, वन, एम वन आएगा। ये यूनिट किसका है, लेंथ का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल, पावर कितनी है सेंटीमीटर की, वन, और टाइम, एस किसका है, टाइम का, टी, पावर कितनी है, माइनस टू। इसका भी देखो, यहाँ केजी है, केजी किसका यूनिट है, मास का, पावर कितनी आएगी, वन। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, पावर कितनी है, वन, पावर वन आ जाएगी। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, तो टी आएगा, पावर कितनी आएगी इसकी, माइनस टू आएगी। आप देख रहे हैं इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, सिस्टम ऑफ यूनिट इसका अलग है, सिस्टम ऑफ यूनिट इसका अलग है। बात समझ आ रही है? तो एक क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी, जैसे मैं इसकी, इस पेन की क्वांटिटी है, जैसे मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। मीटर में इसको मेजर कर रहा हूँ या सेंटीमीटर में इसको मेजर कर रहा हूँ, तो दोनों में मैं क्या कर रहा हूँ, जो डायमेंशन यूज कर रहा हूँ वो कौन सी करूंगा, लेंथ की ही करूंगा ना भाई, मुझे फाइंड क्या करनी है, इसकी लेंथ करनी है, चाहे मीटर में कन्वर्ट करके करूं, चाहे सेंटीमीटर में करूं, चाहे किलोमीटर में करूं, चाहे मिलीमीटर में करूं, वो अलग बात होगी, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती रहेगी। यूनिट जो है वो क्या हो रहा है, वो भी चेंज हो रहा है, लेकिन डायमेंशन आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों डायमेंशन सेम रहेगी, क्योंकि मैं फाइंड ही क्या कर रहा हूँ, लेंथ। डायमेंशन बताती क्या है कि आप क्या चीज फाइंड कर रहे हो, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हो, आप लेंथ कर रहे हो, मास कर रहे हो, टाइम कर रहे हो, करंट कर रहे हो, टेम्परेचर कर रहे हो, क्या फाइंड कर रहे हो, वो हमें डायमेंशन बताती है। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर, वही क्लियर। ओके, अब देखो, अब जैसे मैंने एक यूनिट मान लिया यू वन, दूसरा यूनिट मान लिया यू टू, ध्यान रखना क्वांटिटी हमारी सेम है। यहाँ पे जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं, ये बात सुनो, यहाँ पे जो हमने लेट किया m1 l2 t2, सॉरी m1 l1 t1 आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन वन सिस्टम। वन सिस्टम का मतलब क्या हो रहा है कि क्या बताओ, वो सेंटीमीटर में होंगे, यानी कि सीजीएस सिस्टम में होंगे। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर हो सकता है, ग्राम हो सकता है, सेकेंड हो सकता है। एक होता है आपका कौन सा बताओ मुझे, पता है किसी को? एक सीजीएस सिस्टम होता है, दूसरा कौन सा होता है? एक तो होता है एफपीएस, इसके अलावा एक और बताओ। सारे चुप। ये सिस्टम बताया वो मैंने एमकेएस, एमकेएस की फुल फॉर्म बताओ, देखते हैं कौन बताता है। सर ये होगा मीटर किलोमीटर सेकंड। ध्यान से, मीटर भी लेंथ का हो गया, किलोमीटर भी लेंथ होगा, लेंथ का हो गया, फिर दोनों लेंथ के हो गए। ध्यान से सर, सर ये हो गया सर, मीटर, किलो और सेकंड। वेरी गुड। क्या है ये, एम का मतलब क्या होता है मीटर, के का मतलब क्या है किलो, और एस का मतलब सेकंड, सीजीएस का क्या मतलब सेंटी, जी का मतलब ग्राम, ग्राम एस का मतलब सेकंड। तो ये जैसे फॉर एग्जाम्पल यू वन मान लीजिए एमकेएस सिस्टम है, और यू टू क्या है आपका सीजीएस सिस्टम है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब एमकेएस और आपका सीजीएस की बात कर रहा हूँ, डायमेंशन तो दोनों की सेम रहेगी भाई साहब। आपको जब मैं आगे एग्जाम्पल दूंगा ज्यादा अच्छे से और समझ आएगी आपको, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अब देखना ध्यान से, यहां से इक्वेशन नंबर वन को देखो ध्यान से, ये आपकी इक्वेशन नंबर वन, जो कि क्या था, एन वन यू वन, एन वन यू वन इक्वल्स टू एन टू यू टू। तो आपने यहाँ पे कन्वर्जन करना सीखना है, मीन्स आपको क्या दिया होगा क्वेश्चन में, एन वन दिया होगा, यू वन भी आपको पता होगा, यू टू भी आपको पता होगा, आपको क्या फाइंड करना होगा, एन टू। आपको एन टू फाइंड करने का तरीका क्या होगा, देखिए बस आप, मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, जिसको नहीं समझ आएगी कोई प्रॉब्लम नहीं, न्यूमेरिकल से समझ आ जाएगी। देखो ध्यान से देखना, एन वन तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, एन वन, यू वन एक क्या सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसको मैं क्या लिखूंगा एम वन एल वन टी वन, इसकी पावर भी क्या होगी ए, इसकी पावर क्या होगी बी, और इसकी पावर क्या होगी सी, और इधर क्या है एन टू, और यहाँ पे क्या है यू टू। यू टू का मतलब क्या, एम वन एल टू एंड सॉरी एम टू एल टू एंड टी टू, टी टू, और इसकी पावर कितनी है ए बी। मैंने आपको क्या बताया, होमोजेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक मैंने आपको क्या बताया हुआ है, मैंने बताया है दोनों तरफ, देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट दैट द डायमेंशंस ऑफ ईच ऑफ द टर्म ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन ऑन बोथ साइड शुड बी सेम। आपके इक्वल टू के इस तरफ भी डायमेंशंस क्या होंगी, ये सेम, जितनी इस तरफ होंगी उतनी ही इस तरफ होंगी। मतलब क्या, तो डायमेंशन हमें कैसे पता चलती है डायमेंशन फॉर्मूले में,
जो ऊपर पावर होती है ना वही तो हमें बताती है डायमेंशन कि जितनी पावर होगी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे एम जीरो एल वन टी माइनस टू आया था, ये पावर वन पावर क्या बता रही है यहाँ पे, वन मीन्स यहाँ पे मीटर कितना है एक, जहाँ पे पावर माइनस टू क्या बता रही है कि यहाँ पे आपका टाइम कितना है दो, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका टी स्क्वायर के, इस तरह से यह बात करता है आपके डायमेंशन। तो दोनों तरफ आपकी डायमेंशन क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं इस तरफ भी ए है एम के ऊपर, इस तरफ भी ए है एल के ऊपर, यहाँ पे भी बी है यहाँ पे भी बी है, टी के ऊपर यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी है। डायमेंशन होमोजेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। यूनिट आपके अलग अलग हो सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कौन सा सिस्टम है आपका सीजीएस और यहाँ पे मान लीजिए कौन सा आपका एमकेएस, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या रख दिया एम वन एल वन टी सॉरी एम वन एल वन और टी वन नीचे रखा हुआ इसके पाँव के नीचे, एम टू एल टू टी टू। क्यों? क्योंकि आपका सिस्टम ऑफ यूनिट क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। सिर्फ सुनते रहो ध्यान से, अभी आगे बढ़ते हैं। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे एन टू फाइंड करना है। जब मुझे एन टू फाइंड करना है, ये पूरी टर्म जिस चीज को फाइंड करना था उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सारी टर्म्स इक्वल टू के दूसरी तरफ हम भेज देते हैं। मैथमेटिकल ये प्रिंसिपल होता है छोटा सा, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। देखिए तो मुझे मेरे पास एन टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन वन, इस तरफ क्या था एम वन एल वन टी वन, इसकी पावर सी, इसकी पावर कितनी थी बी, और इसकी पावर कितनी थी एबीसी डी, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा एम वन एल सॉरी एम M2 टू एल टू टी टू, इसकी पावर कितनी थी ए, इसकी पावर कितनी बी, इसकी पावर कितनी थी सी। सभी की पावर सेम है तो मैं कॉमन करके भी लिख सकता हूँ, कैसे एन टू इक्वल टू एन वन, मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, देखो एम वन एल वन टी वन और डिनोमिनेटर में क्या है एम टू एल टू टी टू, ओवरऑल पावर देख सर एबीसी सेकंड। सर ओवरऑल पावर में एबीसी आ जाएगा ना। हाँ देखो इधर क्या था एम वन और नीचे क्या था एम टू, इसकी ओवरऑल पावर एम 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 की पावर कितनी है दोनों की ए, तो मैंने इसको क्या लिख दिया ए। फिर दूसरा क्या है आपका एल, इधर क्या है एल वन और इधर क्या है एल टू, दोनों के ऊपर पावर कितनी है बी बी, तो बी को मैंने कॉमन करके लिख दिया। सेम क्या है आपका टी, टी वन इधर है और इधर क्या है आपका टी टू, दोनों के ऊपर पावर कितनी है आपकी सी। ओके अभी भी आपको मुझे पता काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ नहीं आई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम करेंगे न्यूमेरिकल, अब आपको समझ आएगी, पक्का आएगी देखना, नहीं आएगी तो फिर पूछना डाउट। जैसे मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर आपको होमवर्क देके जाऊंगा, न्यूमेरिकल नंबर टू समझा रहा हूँ, अगर ये जिसको सभी को समझ आ गया तो फर्स्ट ऑटोमेटिकली समझ आ जाना है। कन्वर्ट 50 न्यूटन टू डाइन, आपने 50 न्यूटन को डाइन्स में कन्वर्ट करना है, देखते हैं कैसे होगा। ओके एक बार मैं स्क्रीन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपकी आईज को ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। ओके फाइन, सॉल्यूशन नंबर न्यूमेरिकल कौन सा सेकंड का, कैसे करेंगे आपको कन्वर्ट करना है कितना 50 न्यूटन को, 50 न्यूटन को कन्वर्ट करना है आपको किसमें डाइन्स में। जैसे आपने एग्जांपल के तौर पे आपने 50 मीटर को कन्वर्ट करना होता है किसमें सेंटीमीटर में, इस तरह का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, एक्चुअली क्वेश्चन ये है जैसे 50 न्यूटन को आपने डाइन में कन्वर्ट करना तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी, ये क्वेश्चन पूछता है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा वो समझो, अब समझना सारे, कौन था बिल्ली आपको समझ नहीं आ रहा था, ध्यान से सुनना, ये देखिए यहाँ पे ये जो न्यूटन है ना, ये जो आपका न्यूटन है ये कौन से सिस्टम से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू एम के एस सिस्टम से, और ये जो डाइन है ये कौन से सिस्टम से बिलोंग करता है सीजीएस से। ये न्यूटन कौन सी किसका यूनिट है, ये फोर्स का यूनिट है, न्यूटन किसका यूनिट है आपका फोर्स का यूनिट है। अगर न्यूटन फोर्स का यूनिट है तो आपको याद है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और मैंने इसकी डेरिवेशन डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपको बताया था क्या होता है फोर्स का, जिसको नहीं याद मैं एक बार वापस करवा देता हूँ, एफ इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। आपकी आवाज फ्लक्चुएट कर रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही? नहीं सर अब क्लियर आ रही सर, पहले मतलब जब आपने अभी कुछ बोला ना सर वो क्लियर नहीं था, एक बार फिर तो से बोल फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा एम वन एल जीरो टी जीरो, और एक्सेलरेशन का सभी को पता है कितनी बार बता चुका हूँ क्या होता है एम जीरो एल वन टी माइनस टू, इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एम वन एल वन
टी माइनस टू, मैंने बहुत बार ये एग्जाम्पल दी थी आपको जिस दिन मैंने लेक्चर शुरू किया था फर्स्ट टाइम ये वाला। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एम वन एल वन टी माइनस टू। तो यहाँ पे जो डायमेंशन है वो कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो। एक्चुअली जो डायमेंशन लिखने का हमने तरीका क्या सीखा, एम एल और टी, इसके ऊपर क्या लिख रहे हैं ए, इसके ऊपर रख रहे हैं बी, इसके ऊपर रख रहे हैं सी। मीन्स यहाँ पे ए की वैल्यू होगी वो कितनी होगी वन, बी की वैल्यू कितनी होगी वन, और सी की वैल्यू कितनी होगी माइनस टू। क्या ये बात क्लियर है सभी को, इतनी सी। ये ए वन कैसे हो गया, बी वन कैसे हो गया, सी माइनस टू कैसे हो गया, अब बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें जो मैंने जस्ट अभी पूछा? नहीं। बाकी बट सर आपने से लिखा सर वन जीरो और माइनस टू, ये सर जो जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला आपने उसे डिराइव किया है, जितने भी एबीसी है। आप केल्विन वो करना, आपने लिखा ये कौन सा, ये वाला पूछ रहे हो, ये पूछ रहे हो? हाँ सर मैं पूछ रहा हूँ कि सर वन वन माइनस टू, वो तो पता चलेगा कि सर जो आपने ऊपर लिखा है एम वन एल वन टी माइनस टू उससे आया तो। बट सर हमें वो कैसे निकालना है अगर कोई और क्वेश्चन आता है तो, हमें सेम ही लेना है। ये कैसे करना है? हाँ सर, अरे ये आप फर्स्ट लेक्चर देखो फिर ज्यादा समझ आएगा। ये कैसे लिख दिया आपको, ये नहीं ना पता चला कि ये कैसे लिखा हुआ है, या ये नहीं पता चला जो मैं रेड मार्क कर रहा हूँ वो समझ नहीं आई, या जो मैं ब्लू के साथ मार्क कर रहा हूँ वो समझ नहीं आई, कौन सी समझ नहीं आई आपको? नहीं मतलब सर समझ तो पूरा आ गया। अच्छा। बट सर मैं पूछ रहा हूँ आपने L1 T माइनस टू लिखा ना सर, बट मैं बोल रहा हूँ कि 1 1 माइनस टू वो कैसे आया, उसकी पावर 1 1 और माइनस टू कैसे आई, कुछ और नहीं हो सकती उसकी पावर? नहीं नहीं आप फर्स्ट लेक्चर देखो फिर आपको नहीं पता चला फिर। ओके सर। हाँ कुशल पूछो, हैंड रेस किया। सर वहां पे पीछे जो a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 1 और c इक्वल्स टू माइनस टू गया वो एक बार फिर से समझाना प्लीज। ओके देखो, देखिए जो हमारा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है मैं वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि उसको तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में तो इतनी बार रिपीट किया था ना कि आप सोच भी नहीं सकते, बोर ही हो गए होंगे सुन सुन के वही चीज। तो फोर्स का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए, ठीक है? तो जिसको नहीं पता है मीन्स उसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा। तो आपको फोर्स का डायमेंशनल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए मैं फोर्स की डायमेंशनल इक्वेशन ही लिख रहा हूँ। एफ इक्वल टू क्या होता है, एम वन एल वन टी माइनस टू, ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक। अब हमने जो वहां पे कंसीडर किया स्टार्टिंग में, हमने क्या कंसीडर किया, मास की जो डायमेंशन होती है वो ए के साथ लिख रहे हैं, लेंथ की डायमेंशन उसको बी के साथ लिख रहे हैं, और टाइम की डायमेंशन वो किसके साथ लिख रहे हैं, सी के साथ लिख रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे कंपैरिजन करना आपने मास मास को, तो मास मास को कंपेयर करो तो पावर देखो क्या होगी, ए की वन होगी, बी की पावर कितनी होगी बताओ, लेंथ लेंथ को कंपेयर करके देखो, बी की जगह क्या आ जाएगा आपका वन आ जाएगा फोर्थ के। ऐसे ही आप सी को देखो, सी की जगह कितना आ जाएगा आपका माइनस टू। क्या ये बात पता चली? माइनस टू सर आ गया। नहीं जिसने क्वेश्चन पूछा था उसको पूछ रहा हूँ, उनको क्लियर आई, मुझे पूछा नहीं, याद नहीं रहा किसने क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो तब तक मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपके एन वन कितना दिया हुआ है 15, और एम के एस की बात चल रही है, ये होता है केजी में। देखिए यहाँ पे होगा एक एम वन, दूसरा होगा आपका L1, तीसरा होगा आपका T1, सेम यहाँ पे होगा N2, यहाँ पे होगा आपका M2, यहाँ पे होगा आपका L2, और यहाँ पे होगा आपका T2, ठीक है? N2 तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है CGS की फॉर्म में, क्योंकि न्यूटन जो है ये MKS की सिस्टम की फॉर्म में है, और डाइन जो है ये किस फॉर्म में आपका CGS की फॉर्म में है, ठीक। मुझे N1 को क्या दिया हुआ, हमें कितना दिया हुआ 50, M1 जो कि MKS की फॉर्म में है तो ये किसमें होगा kg में, लेंथ है ये किसमें होगी मीटर में, ये टाइम है तो ये किसमें होगा सेकंड में, सेकंड में, हाँ सेकंड में। M2 की बात करनी हो ये किसमें आ गया सीजीएस में, तो M मास किसमें होगा ग्राम में, L2 यानी कि लेंथ किसमें होगी सेंटीमीटर में, टाइम किसमें होगा सेकंड में। मैंने बोला था सिस्टम ऑफ यूनिट में डायमेंशन आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी इस केस में। तो फोर्स के केस में जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, एम वन एल वन टी माइनस टू, देयरफॉर ए इक्वल्स टू वन वी इक्वल्स टू, चल पूरा ही लिख देता हूं। देखिए सिंस
m पावर कितनी a, l की पावर कितनी b एंड t की पावर कितनी c. तो देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, a की पावर, b की पावर और c की पावर आपको पता चल जाएगी. a की पावर कितनी है आपकी 1, b की पावर कितनी है आपकी 1 एंड c की पावर कितनी है आपकी -2. ये है ना, वो भी सिखाया था मैंने. तो हमने अभी हमने एक फार्मूला भी डिराइव किया था n2 को निकालने का. हमें n2 तो निकालना है. n2 निकालने का फार्मूला क्या होता है, वी नो हमें क्या पता है n2 इक्वल्स टू किसके बराबर होता है n2 भी बताओ मुझे. m1 अपॉन m1 इनटू m1 अपॉन m2 पावर कितनी a. सर a फिर क्या होता था, l1 अपॉन l2 पावर कितनी b, b और t1 अपॉन t2 पावर कितनी c. कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. ओके आगे बढ़ते हैं. हाँ c होता है, c लिखा ना मैंने. ओके यस सर. n1 देखो m1 कितना था आपका kg और m2 कितना था ग्राम, कोई प्रॉब्लम है. और a की वैल्यू कितनी 1, l कितना था आपका मीटर और l2 कितना था सेंटीमीटर और इसकी पावर कितनी 1 b c है ना, b कितना था c, ओ सॉरी b कितना था आपका 1. सिमिलरली यहाँ पे t1, एक्चुअली आज टाइम हो गया मुझे नहीं लगता लेक्चर खत्म हो पाएगा फिर भी. तो यहाँ पे t1 कितना था आपका सेकंड और ये भी कितना था सेकंड, इसकी पावर कितनी थी बताओ मुझे -2. ठीक है सर, यहाँ पे दोनों जगह सेकंड क्यों आया कहाँ पे. यहाँ अब देखो मैंने MKS सिस्टम और CGS सिस्टम क्या बताया था. MKS में ये क्या होता है केजी, ये क्या होता है किलो, ये क्या होता है सेकंड, ये क्या होता है सेंटी, ये क्या होता है ग्राम और ये क्या होता है सेकंड. तो दोनों केस में आपका चाहे CGS होगा चाहे MKS होगा दोनों केस में क्या रहता है आपका सेकंड ही रहता है ना. सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ो अच्छे से भी. मैंने दो दिन से जब से ये लेक्चर यूनिट सब यूनिट शुरू किया मैं तब से चिल्ला रहा हूँ कि भी वो आपको करना कंप्लीट जरूरी है सिस्टम ऑफ यूनिट, तभी अच्छे से समझ आएगा. और कंटिन्यूटी साइंस के अंदर आपको पढ़ना है तो आपको एक लेक्चर भी मिस नहीं करना. अगर एक लेक्चर भी मिस कर दिया तो पूरा आगे वाली बातें समझ नहीं आती फिर. ठीक है तो एन वन कितना था आपका, ये लिखना भूल गए थे हम, कितना था 50 था. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपने मैंने वो क्या सिखाया है, जब भी आपको यूनिट्स के साथ डील करना है तो आपको क्या करना, सारे यूनिट्स को एक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है. जैसे ऊपर केजी है नीचे ग्राम है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो मैं क्या करूंगा, सारे के सारे यूनिट जहाँ तो सीजीएस में कन्वर्ट कर दूंगा जहाँ तो एमकेएस में कन्वर्ट कर दूंगा. हमारे लिए इजी होता है कि बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर दो. जैसे केजी को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ग्राम में. तो यहाँ क्या आ जाएगा 1000 ग्राम, नीचे भी क्या है ग्राम, पावर कितनी 1. मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, नीचे भी क्या है आपका सेंटीमीटर. और यहाँ तो पहले ही सेकंड सेकंड था तो सेकंड सेकंड आपका पहले क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा. समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है, तो सेकंड सेकंड आपका क्या माइनस टू कहाँ जाएगा. हाँ वो रख रहे हैं ना, सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1. तो पावर कितनी आपकी -2 सर. आगे बढ़ते हैं तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे ग्राम ग्राम भी आपका कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी कैंसिल. जहाँ क्या बचा 1000 और जहाँ पे क्या बचा 100, यही बचा हुआ है ना. तो this implies n equals to क्या बचा हमारे पास, n2 equals to कितना बचा 50, वहां क्या था 1000, पावर 1 थी तो मतलब वो अंडर स्टूडी होता है और इधर कितना था 100 और 1 की पावर आप चाहे 0 रखो, 1 की पावर चाहे आप 1 रखो, 1 की पावर 2 रखो, 1 की पावर -3 रखो, कुछ भी रखो तब भी आपको कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा. 1 की पावर कुछ भी रखनी है तो हमें वापस क्या मिलता है 1 ही मिलता है, ये भी पता होगा तुम लोगों को. तो यहाँ पे अल्टीमेटली बचा क्या मेरे पास 1. ठीक है ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है, इसके आगे मैं थोड़ी इसको कॉम्प्लेक्स करता चलूंगा, ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ लेना. बचा क्या मेरे पास 50, यहाँ पे क्या बचा 1000 और यहाँ पे क्या बचा 100. मल्टीप्लाई करके हमें ओवरऑल क्या मिलेगा बताओ मुझे 5 0. ये आपको एक आता ना साइंटिफिक, सुन लो मेरी बात, 0 5 0 इंटू इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10^3, इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10^2, एक ही मतलब है. यस सर है ना, ऐसा लिख सकते हैं पावर 3 है तो क्या हो जाएगा. अरे माइक ऑफ कर दो, किसका ऑन है. तो मेरे पास n2 कितना है,
एक मिनट सुन, बात पूरी सुन लो, यहाँ पे बेस कितना है 10, इधर भी बेस कितना है 10, व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 10 रेज पावर 3 प्लस 2 हो जाएगा, तो n2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 50 इंटू 10 रेज पावर 5। अब पूछो क्या डाउट है किसको सर, मैं बोल रहा हूँ सर, क्या हमें पता है कि सर 1 न्यूटन होता है सर 1 लाख डाइन, तो सर हम पहले नहीं, सर हमें इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है, वो आगे पता चलेगा ना, ये तो सिंपल एग्जांपल दिया मैंने पहले ही बोल दिया, आगे पता क्या क्वेश्चन आएगा, वो बोलेगा 30 केजी सेंटीमीटर 1 हार को कन्वर्ट करो ग्राम मीटर सेकंड में, अब करो, अब पता है नहीं सर, अब नहीं पता। तो पहले सबसे पहले मुझे क्या लेनी है, इजी एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया, उसके बाद फिर हम कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे, तो ये तो पता ही था आपको, तो आपको मन के अंदर संतुष्टि भी होगी ना कि हाँ ऐसा होता है, सच में देखो ऐसा आंसर मिल गया, ये तो आपको संतुष्टि के लिए था, टफ क्वेश्चन तो आगे आएगा। ओके सर, हाँ ओके, किसी को डाउट है कोई और सर, इसको सीधा भी तो लिख सकते हैं हम, सीधा कैसे, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया, अच्छा आप भी बोल रहे हो, अच्छा 5000 ये बोल रहे हो, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता कब आएगी, अब मैं बोलूंगा ये लो इसको लिखो, अब इसको लिख पाओगे कॉपी के ऊपर, नो सर, जीरो लिखते 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 3 कॉपियां लगा देना, फिर इतने लाइनें भर देना पूरी, तो साइंटिफिक नोटेशन तो यही तो होती है, इसलिए तो हम इसको यूज करते हैं इसको, हाँ हाँ बोलो, पर इसमें तो 6 0 है, हाँ तो वही तो मैं अभी एक और स्टेप बताने लगा, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एक और जीरो प्रेजेंट है ना यहाँ पे, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 5 × 10⁶ भी लिख सकते हो, समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है, आ रही है सर, हाँ यस सर, एन टू हमें मिल चुका है, एन टू कितना है 5 × 10⁵ N, ठीक है क्या बोल रहा हूँ 50 × 10⁵ एन टू की वैल्यू मुझे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गया, मैंने क्या बोला था टाइम में कन्वर्ट करना है इसको, तो आपको देखो क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे देखो आपने 50 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना था, तो मींस n2 मिल चुका है, तो आपका आंसर जो एग्जैक्ट आंसर आया, तो आपका जो आंसर मिला वो क्या मिला आपको, आपको मिला 50 न्यूटन इज इक्वल्स टू 50 × 10⁵ बराबर होता है, ये आपका आंसर है, आपका होमवर्क के लिए न्यूमेरिकल नंबर आपका फर्स्ट रहेगा, ये आपने ट्राई करके आना है, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको सीखने को नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल बेसिक बताया, आगे देखना डिफिकल्ट हो जाएंगे क्वेश्चन, जिसको ज्यादा एक्साइटमेंट है वो मेरे पास न्यूमेरिकल्स इससे भी थोड़े हाई लेवल के मैंने करवाए हुए हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर पड़े हुए हैं, वो देख सकता है जाके यूट्यूब पे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं अटेंड किया तो मेरी हाथ पांव जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उस लेक्चर को जरूर देखो, अदरवाइज ऐसा फायदा ही नहीं है रट्टा मारने का कि ये ऐसे होता जा रहा है, तो आपको पता तो चले एटलीस्ट कि कैसे डायमेंशन लिखनी कैसे है, है ना, कल को ऐसा आ गया, कल को मैं वर्क का पूछूं डायमेंशन फार्मूला, तो आप यही लिखे जा रहे हो m1 l1 t-2, तो गलत हो जाएगा आंसर आपका, हर फिजिकल क्वांटिटी का अलग डायमेंशन फार्मूला है, वो कैसे निकलता है वो मैंने सिखाया हुआ आपको फर्स्ट आपको लेक्चर में, तो उसको देखना है, अब इस न्यूमेरिकल के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज लेक्चर बाइंड अप होने वाला है। नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, अच्छे समझ में आ गया, बाकी स्टूडेंट है ना, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा, बाद में एंड में न्यूमेरिकल जब करेंगे तब आपको समझ आएगी, है ना, पहले तो वो बेसिक आपके मैं पिलर बना रहा था आपका थोड़ा, फिर भी फर्स्ट न्यूमेरिकल ट्राई करके आना है, कोई डाउट होगी डाउट साथ लेके आना, फिर यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे हम। अखिल पूछो। नो सर। ओके तो ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट को करके आएंगे सारे।